नमस्कार, आज हम बनाएंगे सूजी का इंस्टेंट पिज्जा। ये बिना किसी बेस के, बिना ओवन के, बिना कुकर के डायरेक्ट पैन में बनेगा और बहुत जल्दी बन जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। सूजी का इंस्टेंट पिज्जा बनाने के लिए हमने प्याले में आधा कप सूजी ली है, नॉर्मल सूजी है जिससे हम हलवा बनाते हैं, और ये एक चौथाई कप दही, एक चौथाई छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। इन्हें मिला लेते हैं हम। थोड़ा गाढ़ा बैटर बना के तैयार करना है हमें। पानी हम थोड़ा थोड़ा डालकर मिलाएंगे। ये देखिए गाढ़ा बैटर है, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो पानी और मिला लेंगे। इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, सूजी फूल जाएगी। 10 मिनट हो गए, सूजी भी फूल कर तैयार हो गई और बैटर काफ़ी गाढ़ा हो गया है। हम इसमें 1-2 चम्मच पानी मिला देते हैं। ये हमने 1/3 छोटी चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट लिया है, ये डाल देते हैं और 1/2 चम्मच इसके ऊपर पानी डाल देते हैं, जल्दी से एक्टिव हो जाएगा, और इसे मिला देते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं फेंटना है इनो फ्रूट सॉल्ट डालकर, बस हल्का सा। ये देखिए मिल गया, बैटर फूला फूला दिखाई दे रहा है, हमारा बैटर तैयार हो गया। अब पिज़्ज़ा बनाने के लिए पैन गरम कर लेते हैं और इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे। फ्लेम लो मीडियम कर देंगे और ये बैटर हम पैन में डाल देंगे और इसे एक जैसा फैला देंगे। इसे ढक कर लो मीडियम फ्लेम पर 4 मिनट सिकने देते हैं, इसके बाद चेक करेंगे। 4 मिनट हो गए हैं, इसे चेक कर लेते हैं। अच्छा फूला दिख रहा है और थोड़ा सा अभी हम इसे और सिकने देंगे। तो चारों ओर थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और इसे 2 मिनट ढककर और सिकने देते हैं। फ्लेम हमने लो मीडियम रखी है। 2 मिनट हो गए, इसे चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए हल्का सा ब्राउन हमें नज़र आने लगा है किनारों से, ये नीचे से सिक गया है, हमें इसे पलटना है। तो थोड़ा सा तेल हम ऊपर की साइड डाल देंगे और देखिए बड़ी आसानी से ये निकल आया है। इसे पलट देते हैं। ये देखिए कितना ब्राउन अच्छा सा बेस बनके तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसकी टॉपिंग कर लेते हैं। तो ये लिया हमने पिज्जा सॉस और चारों ओर फैला दिया। इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा चीज डाल देते हैं। मोजरेला चीज को हमने ग्रेट करके ले लिया है, लगभग 3/4 कप ग्रेटेड चीज है। अब इसके ऊपर रखेंगे ग्रीन कैप्सिकम और ये रेड कैप्सिकम। और ये थोड़े से स्वीट कॉर्न। टॉपिंग में आप बेबी कॉर्न भी डाल सकते हैं, मशरूम भी डाल सकते हैं, अनियन भी डाल सकते हैं। और अब ये चीज़। आधा छोटी चम्मच ऑरिगेनो पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर बच्चे चिली फ्लेक्स पसंद ना करें तो ना डालें। तो ये हमारी टॉपिंग तैयार हो गई। अब इसे वापस ढक देते हैं और लो फ्लेम पर और चीज के मेल्ट होने तक या 10 मिनट तक इसे पकने देंगे। 10 मिनट के बाद हम अपना पिज़्ज़ा चेक कर रहे हैं। चीज़ पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है और हमारा पिज़्ज़ा भी बनकर तैयार है। फ्लेम बंद कर देंगे और अब इसे पैन से निकालते हैं। ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। तो पिज़्ज़ा को हम काट लेते हैं। ये हमारा पिज़्ज़ा तैयार है और इसका आप बैक देखेंगे कितना ब्राउन और
एकदम क्रिस्पी है, बहुत ही टेस्टी पिज्जा बना है। इस पिज्जा को बनने में सिर्फ 15 मिनट लगे हैं। पिज्जा सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत आसान है बनाना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख ले, जब आप इसको पलट कर सेक रहे हैं तो पहले 3 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर इसे सेके, क्योंकि हमारा पैन थोड़ा ठंडा हो गया होता है। इसके बाद 7 मिनट इसे लो फ्लेम पर ही सेकना है। तो आप इसे फटाफट बनाइए, बच्चों को खिलाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।